हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम मोहन कुमार है और आज मैं कार्बोहाइड्रेट टॉपिक पर कुछ बातें करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाने, इंट्रोडक्शन देखें। तो आज का जो लेक्चर होगा वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के इंट्रोडक्शन के पार्ट को कवर करेगा। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि कार्बोहाइड्रेट जो है वह टोटल 4 बायो मैक्रोमोलिक्यूल में से एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल होता है। दैट इज कार्बोहाइड्रेट इज वन ऑफ द 4 बायो मैक्रोमोलिक्यूल। अब बायो मैक्रोमोलिक्यूल क्या है वो हम लोग देखें। बायो मैक्रोमोलिक्यूल बेसिकली बायो और मैक्रो और मॉलिक्यूल तीन वर्ड से मिलकर बना है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल बेसिकली एक तरह का बायो मॉलिक्यूल है। बायोमॉलिक्यूल बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है माइक्रोमॉलिक्यूल और दूसरा है मैक्रोमॉलिक्यूल। नाम से ही क्लियर है, माइक्रो मींस जो स्मॉल होंगे और मैक्रो मींस जो लार्जर होंगे। तो यहां स्मॉल और लार्ज के सेंस में है। तो यहां मैक्रो जो हम लोग देख रहे हैं, मैक्रो का सेंस है कि वैसे बायोमॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा हो। और साथ ही बायो मैक्रोमॉलिक्यूल वैसे बायोमॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे जो कि सेल के सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल पार्ट को कवर करता हो। ये हो गई पहली पॉइंट कार्बोहाइड्रेट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें, कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। मेन जो एनर्जी हमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज वन ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। जो भी फूड हम लोग खाते हैं, चाहे कोई एनिमल खाए चाहे वो ह्यूमन बींग खाए, उसका मेजर कॉम्पोनेंट एक बड़ा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट ही होता है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट इज द फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है भाई? तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वैसे सबस्ट्रेट हैं, वैसे कंपाउंड हैं जो कि हमारे बॉडी के द्वारा रेस्पिरेशन के दौरान सबसे पहले एनर्जी के लिए ऑक्सीडाइज किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी तो कार्बोहाइड्रेट को ही ऑक्सीडाइज किया जाता है। नेक्स्ट देखें, कार्बोहाइड्रेट इज प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। क्लियर है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उसमें से अधिकांश जो है वो प्लांट्स के ही द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें कि कार्बोहाइड्रेट का नाम कार्बोहाइड्रेट क्यों है। कार्बोहाइड्रेट में जैसा हम लोग देख पा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट दो वर्ड से मिलकर बना है, कार्बो एंड हाइड्रेट। कार्बो जो है वो आया है कार्बन से और हाइड्रेट हम लोग जानते हैं मतलब क्या होता है, वाटर। मतलब क्या हुआ भाई कार्बोहाइड्रेट का, कि कार्बोहाइड्रेट इज बेसिकली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। As most of the carbohydrates have a general formula and that is CxH2O whole by. चूंकि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उसमें से मैक्सिमम का जो जनरल फॉर्मूला है वो इसी जनरल फॉर्मूला को फॉलो करता है जो कि है CxH2O whole by. चलिए एक बार मैं फिर से आप लोग को एक बार रिकैप कर दूं कि कार्बोहाइड्रेट के इंट्रोडक्शन में हमने अभी तक क्या क्या बातें देखी हैं। पहला पॉइंट हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वह 4 बायो मैक्रोमॉलिक्यूल में से एक बायो मैक्रोमॉलिक्यूल है। तो 4 बायो मैक्रोमॉलिक्यूल में कौन कौन आते हैं एक बार मैं बता दूंगा आपको। नंबर 1 में है कार्बोहाइड्रेट, जो जिस टॉपिक को अभी हम लोग डील कर रहे हैं। नेक्स्ट में है प्रोटीन, थर्ड में है लिपिड एंड फोर्थ में है न्यूक्लिक एसिड्स जिसके अंदर डीएनए एंड आरएनए आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था कि कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड पॉइंट इज दैट इट इज वन ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। फोर्थ पॉइंट इज दैट इट इज द फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। फिफ्थ पॉइंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज दैट इट इज प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। द टर्म कार्बोहाइड्रेट हैज बीन डिराइव्ड as it is hydrates of carbon as most of them have a general formula CxH2O whole y.
अब आगे हम लोग देखें कि इसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट का वो क्या होगा या क्या होना चाहिए। तो पुराने डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट हम लोग वैसे क्लास ऑफ कंपाउंड को बोलेंगे जिसमें कि सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। ये पुराना क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट का, सॉरी क्लासिफिकेशन नहीं, पुराना डेफिनेशन है। तो पुराने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट हम वैसे क्लास ऑफ कंपाउंड को बोलेंगे जिसमें कि सिर्फ तीन ही चीजें हों, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और साथ ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होंगे वो उसी रेशियो में प्रेजेंट होंगे जो कि वाटर में प्रेजेंट होता है। इसका क्या मतलब, हम लोग जानते हैं कि वाटर में H2O में हाइड्रोजन जो है वो 2 रेशियो में होता है और ऑक्सीजन 1 रेशियो में होता है। तो बिल्कुल इसी रेशियो में कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे उसी रेशियो में पाए जाएंगे, ऐसा ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। लेकिन इसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं, इस डेफिनेशन के शॉर्टकमिंग्स हैं। क्या शॉर्टकमिंग है कि सभी कार्बोहाइड्रेट्स इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, उठाएं, तो पहला एग्जाम्पल देखें तो ग्लूकोसामीन है। ग्लूकोसामीन का फॉर्मूला होता है C6H13, ऑक्सीजन 5 एंड नाइट्रोजन। यहां हमने देखा कि भाई नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के प्रेजेंट होने के बावजूद भी यह कार्बोहाइड्रेट में आता है। लेकिन पुराने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो सिर्फ तीन ही एलिमेंट होने चाहिए थे कार्बोहाइड्रेट में, इसीलिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, बट ये है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें रामनोज। रामनोज में देखें तो है तो सिर्फ तीन ही एलिमेंट, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन यहां पर जो रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है वो वाटर के रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिस रेशियो में है उसी रेशियो में रामनोज के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है। सिमिलरली डीऑक्सीराइबोज भी पुराने डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है। यहां रामनोज और डीऑक्सीराइबोज में हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहां पर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है उससे बिल्कुल अलग है।